तो अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय आरसीबी की टीम के हवाले से आ रही है। मेरे पीछे आईपीएल का पॉइंट टेबल चल रहा है, आज आखिरी दिन है आईपीएल में लीग स्टेज का और आरसीबी के पास भी एक आखिरी तिगड़म बिठाने का मौका है। क्या है वो गणित, क्या है वो तिगड़म जो आज आरसीबी अगर बिठा लेती है ना तो भाई टॉप टू में पहुंच सकती है। एंड ऑफ वीडियो को जरूर देखना, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों कल वाला जो मैच था ना दोपहर वाला, उसमें वीवीएस लक्ष्मण के खिलाफ और जो मेगा लीग होती है उसके, उसमें फाफ टू प्लेसेस थे, हमारे कैप्टन केएल राहुल थे हमारे वाइस कैप्टन और हमारी टीम ने मचा दी थी गदा, तगड़ी रैंक आई थी। आप खुद ही सोच सकते हैं क्या रैंक आई होगी। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ यार, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, देर मत करना क्योंकि ये बहुत सारी टीमों ने देर ऑटोमेटिकली कर दी है, ये बाहर हो गई है। तो आपके पास भी 6-7 मैचेस का मौका है, खोलिए नीचे वाली लिंक को, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में माइलाम को डाउनलोड कीजिए। जैसे डाउनलोड करेंगे आप 1500 रुपए 20% का स्पेशल डिस्काउंट फ्री में मिल जाएगा। बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि हर रोज 2 गुना 5 गुना 3 गुना पैसा जीतने का मौका, वीवीएस लक्ष्मण के साथ खेलने का मौका आपके पास रहता है। हर कोई इसी ऐप में ऐसा होता नहीं है। और एक और बड़ी चीज जो इससे भी बड़ी चीज है, बहुत सारे लोगों को ये ऐप करोड़पति ऑटोमेटिकली बना चुकी है। और उससे भी बड़ी चीज ये है दोस्तों कि हर रोज टीम भी देता हूं मैं, और मेरी टीम आपको कैसे मिलेगी वो आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज देर मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, माई 11 को अभी डाउनलोड कीजिए, मौका मत छोड़िए। अभी तक अगर नहीं बनाया है अकाउंट, प्लेऑफ में बना लीजिए। चलिए दोस्तों अब इस टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये टेबल है दोस्तों, और ये टेबल में अब बहुत सारे लोग ये बोलने लगे हैं कि ये चार टीमें ही हमें दिखेंगी, ये चार टीमें ही प्लेऑफ खेलेंगी। और ये बहुत हद तक ये सत्य भी है कि ये चार ही टीमें प्लेऑफ खेलेंगी। तो अगर आप भी इन चारों में से किसी भी टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ये चार ही टीमें खेलेंगी। लेकिन लड़ाई प्लेऑफ की नहीं है, आरसीबी तो पहुंच चुकी है, आरसीबी के लिए लड़ाई है टॉप टू की। और अब टॉप टू में पहुंचने की लड़ाई कहां पर है और चेन्नई के पास कितना मौका है, आरसीबी का आज आखिरी मैच है दिल्ली के साथ, उनके पास क्या मौका है वो समझ लेते हैं। नंबर एक पर तो दोस्तों आप दिल्ली की टीम को देख पा रहे होंगे, और यहां से दिल्ली को नीचे करना ऊपर करना बड़ा मुश्किल, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। लेकिन अब जो नंबर दो पर चेन्नई की टीम चल रही है ना दोस्तों, लड़ाई वहां से शुरू होती है। चेन्नई ने अपने पूरे मैचेस खेल लिए हैं, पिछले तीनों मैचेस लगातार चेन्नई हारी है, 18 अंक पर अटकी हुई है। लेकिन वही बात है ना जो मैं बोल रहा था आपसे जब यूएई में आईपीएल शुरू हुआ था, उस दिन से बोल रहा था मैं प्लेऑफ की और पॉइंट टेबल की वीडियो बनाते हुए कि आपको आज ही बड़े अंतर से मैच जीतना पड़ेगा। चेन्नई ने शुरुआत में बड़े अंतर से मैच जीते, तो इतनी बुरी लगातार 3 हार के बाद भी चेन्नई का नेट रन रेट +0.4 का, यही पावर होती है नेट रन रेट की। यही समझना है टीमों को कि आखिरी में बड़े अंतरों से नहीं जीतना है, शुरू में बड़े अंतरों से जीतना है। चेन्नई शुरू में जीती +0.4 का, बहुत तगड़ा नेट रन रेट। अब यहां पर नंबर तीन पर देखिए आरसीबी की टीम है, आरसीबी की टीम जब से ये यूएई वाला फेज शुरू हुआ है नंबर तीन पर ही दिखी है आरसीबी। 13 मैचेस आरसीबी ने खेले हैं, आज आखिरी मैच है दिल्ली के खिलाफ, बाय द वे 8 जीते 5 हारे -0.1 का नेट रन रेट और 16 अंक है। यहां से अगर टॉप टू में भाई आरसीबी को पहुंचना है ना, दो तरीके। पहला तरीका क्या है, पहली सीढ़ी क्या है, आज का मैच जीतना है। पहली सीढ़ी एज सिंपल एज दैट, दिल्ली को हराना है आपको किसी भी हालत में। अगर आज दिल्ली जीत गई तो फिर आरसीबी टॉप टू में नहीं पहुंच पाएगी। तो पहला गणित, नंबर वन गणित कि यहां से आपको दिल्ली को हराना है। दूसरी सीढ़ी क्या है भाई, देखो नेट रन रेट बहुत तगड़ा है चेन्नई का, और चेन्नई को नीचे पटकना पड़ेगा तो आपको आरसीबी की टीम को अपना नेट रन रेट आज इतना बेहतर करना पड़ेगा कि वो 0.4 पॉजिटिव से भी ऊपर चला जाए, +0.4 से ऊपर का नेट रन रेट आज आरसीबी को हो गया। मतलब क्या, मतलब दिल्ली की टीम को हराना तो है ही है, दिल्ली को बहुत बड़े अंतर से हराना है। और आईपीएल और दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, हालांकि आरसीबी ने ही किया है वो, आरसीबी ने ही पहले एक टीम को 2013 में बहुत बड़े अंतर से पीट दिया था और वो इतिहास है। लेकिन आज दिल्ली को आपको इतिहास रचना पड़ेगा, आज आरसीबी को इतिहास रचना पड़ेगा टॉप टू में पहुंचने के लिए। आज आरसीबी के हर बल्लेबाज को चलना पड़ेगा। आरसीबी को दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि पहली इनिंग में अगर बल्लेबाजी करती है आरसीबी तो 200 से ज्यादा रन आपको लगाने पड़ेंगे बोर्ड पर। जी हाँ, गणित है जो है, जो चीज है वो बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल नहीं बता रहा हूँ, कोई भी चीज मजाक नहीं कर रहा हूँ, आरसीबी के फैन समझ रहे होंगे और हुआ है दुनिया की क्रिकेट में। आपको 200 से ज्यादा 230 240 का स्कोर लगाना पड़ेगा दिल्ली जैसी टीम के खिलाफ, नंबर एक। नंबर दो क्या करना पड़ेगा आपको, दिल्ली की टीम को फिर आपको 40 रन पर ऑल आउट करना पड़ेगा। ये गणित है और यही गणित है, 40-50 रन पर, 70 रन मैक्स टू मैक्स 70 रन आपको दिल्ली को फिर, मतलब अगर आज हम ये बोल दें कि आरसीबी
250 रन बना देती है और उसके बाद दिल्ली की टीम को 70 रन पर ऑल आउट कर देती है तो आरसीबी नंबर दो पर आ जाएगी। सीधा गणित। और सीधा बात है, आपको 165 रनों के अंतर से आज का मैच जीतना पड़ेगा। बहुत सारी दूसरी टीमों के फैंस हंस रहे होंगे, लेकिन सीधी बात यही है भाई, मैं कोई आरसीबी का फैन भी नहीं हूं, मैं किसी टीम का फैन भी नहीं हूं, आज जो गणित फंसा हुआ मैं बता रहा हूं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो लाइक कीजिए। अब होगा या नहीं ये तो समय बताएगा, मैच बताएगा, लेकिन ये पहला गणित है। दूसरा गणित दोस्तों ये है कि आरसीबी को 10 विकेटों के अंतर से जीतना पड़ेगा। अगर आरसीबी यहां पर चेस करने उतरती है तो आरसीबी को मैच को 4-5-6 ओवरों में चेस करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। मान लीजिए आरसीबी दूसरी बैटिंग करने उतरती है, सेकंड बैटिंग उतरती है, तो आरसीबी की टीम को 7-6 ओवरों में मैच को जीतना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हुआ है दुनिया की क्रिकेट में, बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही गणित है जो आरसीबी को टॉप 2 में पहुंचा सकते हैं, सिंपल एज दैट, बता दिया मैंने। तो ये था पूरा गणित, देखते हैं आज क्या होता है। बहुत बड़ा मैच होगा, दिल्ली आरसीबी का मैच बहुत बड़ा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों मेरी टीम आपको कैसे मिल सकती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पर जाइए, द रियल एमसीबी को सर्च कीजिए, पहली लिंक जो आ जाएगी उसको क्लिक कर देना और आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां पर हर रोज मैं से पहले टीम आपको मिल जाती है। ये जो गूगल वाला तरीका क्यों बताया, क्योंकि आप टेलीग्राम पर मुझे सर्च करते हैं तो मेरे नाम से 18 फेक अकाउंट बने हुए हैं, आप गलत फंस जाएंगे, आपको कोई कंफ्यूज कर देगा, इसलिए गूगल वाले तरीके से फॉलो कर लेना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैला दो इसको और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और हाँ भाई एक बात और, जाते जाते माई 11 पर अपना अकाउंट जरूर बना लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।